तो ये जो श्लोक है विष्णु दूत कह रहे हैं और यमदूतों से कह रहे हैं। यमदूत अपने पक्ष में उन्होंने ये बात बताई कि ये जो पापी है इसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया अपने जीवन काल में, इसलिए ये नरक जाएगा, हम इसको नरक में ले जाएंगे और ये वहाँ नरक की यातनाओं के द्वारा शुद्ध होगा और तब फिर वापस इसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। लेकिन विष्णुदूत कह रहे हैं कि जो तपस्या दान व्रत करके कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है अपने पापों का, तो वो पापों से तो मुक्त हो जाता है लेकिन पापों की वासना से मुक्त नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की चरणों की सेवा करता है तो पापों से तो मुक्त हो जाता है बल्कि पापों की वासनाओं से भी मुक्त हो जाता है। तो विष्णुदूत ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूतों का कहना ये है कि अजामिल ने भगवान के चरणों की सेवा कर ली है, इसलिए अब सब पापों से मुक्त हो गया है, और केवल पापों से मुक्त नहीं हुआ है बल्कि पापों की वासनाओं से भी मुक्त हो चुका है। ये तो विष्णुदूतों का ये कहना है। अब हमें विचार करना है कि भगवान के चरणों की सेवा तो अजामिल ने की नहीं। अजामिल ने तो जो है नाम उच्चारण किया और वो भी शुद्ध नाम नहीं था, उसने तो नामाभास बोला था। लेकिन यहाँ भगवान के चरणों की सेवा इस प्रकार से हो गई कि इसने तीव्रता से वो नाम लिया, हालांकि शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन तीव्रता से उसने नाम लिया, आश्रय लिया नाम का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय नहीं लिया, नारायण का आश्रय नहीं लिया, नारायण के नाम का आश्रय लिया वो तीव्रता से, क्योंकि यमदूतों ने जो है जो उसको बांधा, उसको खींचा, तो तीव्र पुकार किया उसने, नाम का उच्चारण किया। तो ये जो है भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की इतनी दया है कि भगवान इसको भी अपने चरणों की सेवा मान लेते हैं। और चूंकि शुद्ध नाम नहीं था तो भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए नहीं आए, नाम का आभास था, इसलिए नाम के आभास से भी उसकी रक्षा हो गई, भगवान के दूत आए। जैसे द्रौपदी ने नाम पुकारा था तो शुद्ध नाम था, तो भगवान स्वयं कृष्ण रक्षा करने के लिए आए द्रौपदी की। लेकिन अजामिल ने शुद्ध नाम नहीं लिया था, नामाभास लिया, इन तीव्रता से नाम लिया। तो जैसे प्रभु जी बता रहे, तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा आराधना करनी चाहिए। तो उसने ये जो नाम लिया विवश होकर के, व्यवस्था में नाम लिया और बहुत जो है भयभीत अवस्था में उसने नाम लिया, बहुत कष्ट की अवस्था में नाम लिया, तो था उसका तीव्र उच्चारण, नाम का तीव्र उच्चारण था। तो विष्णुदूत कहते हैं कि ये अब जो है जितने पाप इसने किए इतना ही नहीं, करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो चुका है, और इतना ही नहीं ये पापों की वासनाओं से, इसके पापों की वासनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। तो विष्णुदूत ऐसा कह रहे हैं, अभी नरक में क्यों जाएगा, है ना। और वास्तव में अजामिल जो है पापों की वासनाओं से मुक्त हो गया था, तो इसलिए जब यमदूत चले गए अजामिल को छोड़ करके और विष्णुदूत भी चले गए अजामिल को छोड़ करके, तो अजामिल का हृदय शुद्ध होने के कारण वो बड़ा पश्चाताप करने लगा कि मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप किया। उसने जो है फिर सब कुछ विचार किया कि वेश्या की संगति से मैंने पुत्र उत्पन्न किए और अपनी जो सदा चारणी सुंदर पत्नी थी तो उसका मैंने त्याग किया, अपने माता पिता की सेवा का त्याग किया, मैं कितना पापी हूँ। उसने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत हरिद्वार चला गया और एक मंदिर में जो है फिर शुद्ध भक्ति का जो है उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये नाम की महिमा का वर्णन है, इस कथा में नाम की महिमा का वर्णन है कि हम जो है तीव्रता से नाम लें। अगर हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं तो नाम लेते समय भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का स्मरण नहीं हो रहा है तो हम जो है शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन तो भी तीव्रता से नाम लीजिए, है ना। इसको अच्छी प्रकार से कानों से आप जो है सुनते रहिए, और जो है अगर आप जो है कष्ट में, संकट में अगर नाम लेते हैं, तो पहले भी बताया था कि कोई गिर जाए ज़मीन में और फिर नाम लेता है ऐसे में, तो वो नाम जो है बड़ा तीव्र होता है। कोई फिसल जाए
उस समय नाम ले तो बड़ा तीव्र होता है, है ना। तो लेकिन उस समय अगर हमने अभ्यास नहीं किया नाम का तो नाम नहीं निकलेगा, तो बाप रे, अरे दैया, मर गया, ऐसे बोलते हैं तो नाम नहीं निकलता। तो नाम के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। कितना अभ्यास आप करिए नाम का, इतना अभ्यास करिए कि जब आप देखते हैं कि सड़क में एक्सीडेंट होने वाला है आपका, तो आपके मुँह से क्या निकलता है, तो आप देखिए वो तीव्र नाम होता है। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं और सामने ट्रक आ जाए तो आप क्या बोलते हैं, आ ओ, उस समय नाम कृष्णा नहीं निकलता, तो आपकी परीक्षा है। ये परीक्षा है, रोज़ की परीक्षा होती है कि आप जो है उस समय नाम ले पाते कि नहीं ले पाते। 16 माला पूरा कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और 16 माला से ज़्यादा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पतिता इसकले तो भगना, जब हड्डी टूट जाए तब आप कैसे बोलते हैं, है ना। तब आपका जो है माला जप बंद हो जाता है। अब सिर दर्द हो रहा है तो माला जप बंद हो जाता है, अब माला जप नहीं हो पाता। तो ये अभ्यास है जो आपको करना है। और थोड़ी थोड़ी परीक्षाएँ हैं, छोटी छोटी परीक्षाएँ हैं, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट हैं। और फिर जो अंतिम होता है फाइनल एग्ज़ामिनेशन, तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए आपको डेली टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट हैं उनको पास करना है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट इनको पास करना है, और अंत में फिर फाइनल एग्ज़ामिनेशन। वही चीज़ है, है ना। पेपर आउट, क्वेश्चन इज आउट, आप तैयारी करो, बस एक ही तैयारी करो। प्रभुपाल ने सब आउट कर दिया है, पेपर आउट कर दिया है, क्वेश्चन आउट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बस केवल इसी का जो है अभ्यास करिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।